नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभ टीवी। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपना फ्री नोटिफिकेशन चला है, लाइक शेयर कमेंट करना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज आपको बताऊँगा मूलांक सात के बारे में। देखिए, मूलांक सात आपको कैसे पता चलेगा, आप किसी महीने में किसी भी साल में 7 तारीख को आपके 25 तारीख को 16 तारीख का जन्म है तो आपका मूलांक 7 है। सबसे बढ़िया नंबर यहाँ पर ऑब्वियसली नो डाउट यहाँ पर आपका 16 नंबर आता है, फिर 25, फिर 7 नंबर आता है। ठीक है, आप सबका मूलांक 7 है। अब 7 नंबर को देखेंगे, दो सीधे लाइन है, तो 7 नंबर केतु से जुड़ा होता है, यहाँ पर नेपच्यून से। तो आप कह सकते हैं कि पहला बात, केतु का सन नहीं होता, शरीर होता है। तो ये लोग दिल से ज़्यादा सोचते, दिमाग से कम। तो यूँ समझ लीजिए, डिसीजन लेने समय ज़्यादा समय दिल से लेते हैं, तो हर समय सही नहीं होता, दिल हमेशा सही नहीं हो सकता। ठीक है, दिमाग भी ज़रूरी होता है। तो ये लोग हमेशा सर ढूंढने में रहते हैं, मतलब कोई ऐसा चाहिए जो इनका दिमाग बन पाए। ठीक है, जो यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा ये लोग लाइफ में गलती भी कर लेते हैं, और दिल से सोचते तो कभी कभी बहुत बढ़िया भी कर लेते हैं, जिसके वजह से इन लोगों का आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हटके है। चाहे आप यहाँ पर कोई भी 7 नंबर से डिनोट होने वाले व्यक्ति को देख लीजिए, खेल में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो ये लोग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड काम बहुत बढ़िया करेंगे, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया करेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया होता है, स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़िया होता है, हर चीज़ को गहराई से अध्ययन करने की क्षमता वो सिर्फ 7 नंबर वालों में ही से है। ठीक है, तो 7 नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये लोग गहराई में जाते हैं हर चीज़ को, तो रिसर्च फील्ड एनालिसिस का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, शक बहुत ज़्यादा करते हैं, CID वगैरह काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा फुर्तीले भी हो जाते हैं। तो अपने एनर्जी को हमेशा चैनलाइज करना चाहिए, कब कैसे करना है इसे हमेशा चैनलाइज, और थोड़ा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन रहते हैं। तो कभी कभी इन लोगों को रात को नींद नहीं आता, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब में भागा रहता है, शरीर दुखता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत बातों को लेके सोचते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं। साइकोलॉजी में अभी बहुत ज़्यादा इन लोगों का इंटरेस्ट आता है, तो इस तरह का फील में बहुत ज़्यादा है। इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया होता है, अगर ये लोग एस्ट्रोलॉजी इस तरह का फील अकल साइंस में आ जाए तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग तरीके से करेंगे, नॉर्मल जो रूल रेगुलेशन होता है उससे भी अलग तरीके से लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ फैसिलिटी 7 नंबर वालों में। 7 नंबर वालों को हमेशा 1 नंबर, 4 नंबर के साथ दोस्ती हमेशा करना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर के साथ ठीक ठाक बनती है, आपके 2 नंबर के साथ बहुत बढ़िया बनती है, आपके 4 नंबर के साथ बढ़िया बनती है, 5 नंबर के साथ ठीक ठाक नहीं रहता, आप 5 नंबर फ़ायदा लेकर चले जाते, 6 नंबर के साथ एवरेज रहता है, 8 नंबर के साथ बढ़िया नहीं बनता, 9 नंबर के साथ बढ़िया नहीं बनता। एनर्जी बहुत है, क्योंकि केतु की तरह, केतु कभी मंगल की तरह बिहेवियर करते हैं और कभी बुध की तरह करते हैं, तो सोचने की क्षमता कम है। तो खुद सोचने की जगह लाइफ में कुछ बड़ा डिसीजन में समझ, जब आप सही नहीं ले पाते तब किसी बड़े से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी आप लोग एक्शन बहुत, मतलब लीडरशिप क्षमता का बहुत आपके पास कम होता है, तो कभी कभी क्या कीजिए, थोड़ा इसमें काम कीजिए कि आप उन लोगों से मिलें जिसके पास पावरफुल लोग हो। ठीक है, पावर बहुत ज़्यादा हो आपने, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा मिले, उनसे ज़्यादा घुले मिले, तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाए कहाँ पर गलती है, कब कैसे बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपका फोकसिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। शिव जी की पे आपके यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ गणेश जी की आराधना बहुत बढ़िया रहती है, आपकी जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और लाइफ में एक्सप्लोर कीजिए, हमेशा एक चीज़ मत कीजिए, एक चीज़ में पैर मत रहिए, लाइफ में नया चीज़ सीखिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जो चीज़ आपके पास इनबिल है, जो टैलेंट आपके पास इनबिल है, उस टैलेंट के ऊपर खटिए, उससे पैसा बहुत आप कमा पाएंगे। ठीक है, दिल से हमेशा मत सोचिए, कभी कभी दिमाग का भी लीजिए, दिमाग अगर नहीं आपसे पास नहीं, आपके दोस्तों से पास इनडायरेक्टली लीजिए, उसको समझ में कभी मत देना कि आपकी ज़रूरत उसके पास है। ठीक है, और हमेशा सर ढूंढने के बजाय, बॉडी ढूंढने के बजाय खुद अपना सर खुद बनिए, तो आपके लिए यह सही रहता है। ठीक है, मेरा वीडियो यही तक था, मेरा वीडियो आपको पसंद आया। कलर की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो कलर हमेशा लाइट सेट बहुत बढ़िया रहता है, कुछ कीजिए नेवी ब्लू आपके लिए सही रहता है, सफ़ेद कलर आपके लिए सही रहता है, इस कलर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मेरा वीडियो यही तक था, मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आसानी से कॉल कर सकते हैं, और मेरे वीडियो तक बहुत पसंद, बकरी करना।